This is the modern scrambler. This is Yezdi scrambler. Namaste. Yezdi स्क्रैम्बलर अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 2.10 लाख से 2.16 लाख एक्चुअल। बाइक का पूरा डीएनए निकालेंगे कि बाइक आपको क्या क्या बेसिकली दे रही है, राइवल्स कौन से रहेंगे इस प्राइस टैग पर, एंड पावर एंड स्पेसिफिकेशंस। मॉडर्न स्क्रैम्बलर क्लासिक लुक के साथ मॉडर्न फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। आई मीन क्लासिक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर एंड मॉडर्न फीचर्स लाइक एलईडी लाइट्स एंड डिस्क ब्रेक। के लुक्स एंड डिजाइन के बाइक में मिलती हैं आपको सामने की तरफ एलईडी हेडलाइट विद DRL। इस बाइक के अंदर सारी की सारी लाइटिंग जो है एलईडी के साथ मिलने वाली है। और यहाँ पर Yezdi का ट्रेंडिंग वगैरह मिल जाएगी। खैर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों मर्ड कार्ड जो है फाइबर के अंदर दिए हैं। नंबर प्लेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं नीचे की तरफ। फ्रंट सस्पेंशन टेलोस्कोपिक मिलेगा, 41 mm के डाया के साथ। MRF टायर मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको 19 इंच का टायर मिलेगा। जो टायर साइज है 100/90/19 का रहेगा। ट्यूब वाले टायर विद स्पोक्स व्हील मिल रहा है। ड्यूल चैनल ABS यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रंट एंड रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक मिलेंगे। फ्रंट के अंदर 320 mm का डिस्क टायर मिलेगा, ट्यूब टायर मिलेंगे। हैंड साइड में कुछ ऐसी नजर आएगी। ट्विन एग्जॉस्ट के साथ ये बाइक मिलने वाली है एंड दोनों फंक्शनल रहेंगे। यहाँ पर रियर का जो टायर साइज है वो 17 इंच का रहेगा। टायर सेक्शन 140/70R17 का रहेगा। इधर भी डिस्क ब्रेक मिलेगा विद ABS। ड्यूल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा। गैस फील्ड है ये एंड ये भी हाइट एडजस्टेबल आपको मिलने वाला है। रियर में छोटी सी लाइट राउंड शेप में। इस बाइक के अंदर जो लाइट्स हैं LED के अंदर नजर आएंगी। सिंगल सीट मिल रही है और पीछे के लिए ग्रैब्स प्लेन के लिए। यहाँ पर थोड़ी स्टिफनेस है, सस्पेंशन थोड़े हार्ड हैं। 12.5 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक एंड आप लॉन्ग जर्नी पे जाए आपको इंजन की वाइब्रेशन ना फील हो, इसलिए टैंक पर आपको ये रबराइज्ड गार्ड मिल रहे हैं। तो कैसी लग रही है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। Yezdi की 3-4 बाइक्स हैं जो यहाँ पर आपको मार्केट में दिखेंगी। Yezdi रोडस्टर, Yezdi एडवेंचर एंड Yezdi की स्क्रैम्बलर, तीनों बाइक सेम इंजन शेयर करती हैं। 334cc का लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 29 PS की एंड टॉर्क देगा 28 न्यूटन मीटर का। जो इंजन है पेड है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ और इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही ये इंजन आपको मिलने वाला है। इंजन कूलिंग के लिए आपको सामने की तरफ रेडिएटर और ये फैन वगैरह मिल जा रहा है। और इंजन की प्रोटेक्शन के लिए नीचे गियर एंड स्क्रैम्बलर की ब्रांडिंग और यहाँ पे स्टड्स वगैरह दिए हैं, थोड़ा इसको बाइक को सॉलिड या रोबस्ट दिखाने के लिए। बाइक की एग्जॉस्ट नोट भी सुन लीजिए। आइडियल RPM पे ये आप इसकी एग्जॉस्ट सुनने वाले हैं। एग्जॉस्ट टेलीमेटिक्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको एक सिंगल स्पीडोमीटर मिल रहा है, मतलब सिंगल डायल मिलेगा जो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। डिजिटल रहने वाला है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपका वेलकम भी करता है बेसिकली एंड सारी साइंस यहाँ पर नजर आएंगे। बाइक्स के अंदर मिलते हैं डिफरेंट राइड मोड एंड मॉडर्न, यहाँ पर ये स्पीडोमीटर मिलने वाला है। डिजिटल स्पीडोमीटर है, काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देगा। बाइक किस मोड में है यानी किस राइड मोड में चल रही है वो मोड यहाँ पर नजर आएगा। साइड स्टैंड ऑन है तो वो यहाँ पर दर्ज जाएगा। फ्यूल गेज यहाँ पर मिल जा रहा है, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाएगा, आरपीएम मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी एंड इसके अलावा और सारे जो सिग्नल्स हैं जनरल यूज़ के वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा आपकी लंबे ट्रिप पे जा रहे हो तो आप सोसाइटी से डिस्कनेक्ट ना हो, इसलिए यहाँ पर टाइप A एंड टाइप C USB चार्जर, 2 फ़ोन आप एक साथ चार्जिंग पे लगा सकते हैं। दिस इज़ कंट्रोल पैनल ऑफ दिस बाइक, यहाँ से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्पीडोमीटर की देख सकते हैं। इंडिकेटर जो है LED में है, तो यहाँ पर हैजार्ड लैम्प का कंट्रोल, इंजन किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही ये बाइक मिलने वाली है। इसकी कुछ चाबी ऐसी नज़र आएगी कि फ्यूल टैंक की कैपेसिटी और डायमेंशन 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है। इसके अंदर आपको सैडल हाइट मिलती है 800 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलता है 200 mm का, और जो इसका व्हील बेस है दैट इज़ 1403 mm और इसके अंदर 192 kg का कर्व वेट रहने वाला है। तो ये सारी इसकी डायमेंशन, बाकी इसकी लेंथ एंड विड्थ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। बाइक की परफॉर्मेंस यदि आप चेक करना चाहते हैं तो कंपनी जो क्लेम कर रही है 0-100 ये 9.48 सेकेंड में ट्रैवल कर सकती है इस 334 सीसी इंजन के साथ, एंड जो कंपनी क्लेम कर रही है माइलेज का वो 30 किलोमीटर पर लीटर का कर रही है। तो ये स्क्रैम्बलर बाइक आपको अवेलेबल है भारतीय बाज़ार में, एंड इसके ऊपर बेस्ड एक नया वेरिएंट भी जल्द ही 2024 में आपके सामने आने वाला है। एंड बाइक के अंदर आपको सारे मॉडर्न फीचर्स मिल जा रहे हैं, जैसे कि आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा, LED लाइट्स मिल जाएंगी, डिफरेंट राइड मोड्स मिल जाएंगे एंड आपको केवल इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलेगी और पीछे का सस्पेंशन हाइट एडजस्टेबल मिलेगा, ड्यूल एग्जॉस्ट टिप मिलेंगे जो कि फंक्शनल है। तो ये कुछ इसके अंदर फीचर्स मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर। यज़दी स्क्रैम्बलर अवेलेबल है 3 वेरिएंट्स में एंड 5 बॉडी कलर ऑप्शन के साथ। प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 2.10 लाख से 2.16 लाख एक्स शोरूम। एंड राइवल्स होंडा CB है 350 रॉयल इनफील्ड फैमिली इसकी अराइवल रहने वाली है। Yezdi स्क्रैम्बलर 334 सीसी इंजन के साथ कैसी लग रही है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप 2 व्हीलर चलाए तो हेलमेट का प्रयोग और 4 व्हीलर चलाए तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूले। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।